हाय हेलो, वेलकम टू दिया क्रिश मॉम्स। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना। तो ये कॉमन बात है या घबराने वाली बात है? तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ पता नहीं था, तो जब मैं प्रेग्नेंट कंफर्म हुई तो उसके लगभग 10 दिन के बाद शायद था, तो मुझे फर्स्ट टाइम इवनिंग ब्लीडिंग हुआ था। तो मुझे लगा शायद मिसकैरेज ऐसा कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो मैं लाइट ले ली, तो बहुत घबरा के सो गई थी। फिर सुबह उठते ही और कुछ नहीं था, फिर आफ्टरनून फिर थोड़ा ब्लीडिंग हुआ। तो मैं अपने मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कोई बात नहीं है, अगर ये कंटिन्यू होता है तो हम डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखा लेंगे। तो सोचने वाली बात नहीं, फिर भी मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि मुझे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, मुझे पता नहीं है ऐसे ब्लीडिंग होता है या नहीं। इवन मम्मी को भी डिलीवरी के टाइम ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेरी दीदी को, किसी को, और किसी से मैं सुनी भी नहीं थी ऐसा ब्लीडिंग होता है करके, तो वो एक डर था। तो उसके बाद और ब्लीडिंग नहीं हुआ तो मैं छोड़ दी। उसके बाद 10 दिन के बाद मैं ऐसे कुछ, हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करी थी, ऐसा मुझे ब्लीडिंग हुआ था ये, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? तो डॉक्टर बोली इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है करके डॉक्टर ने बताया, और ये डिफरेंस मुझे पता है। तो इम्प्लेंटेशन और मिसकैरेज का डिफरेंस जो हैवी ब्लीडिंग अगर हुआ और वो बढ़ते गया तो वो मिसकैरेज फ्रेंड्स। है। आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आप अगर हल्का फुल्का ब्लीडिंग हुआ तो लाइटली ले लीजिए, उन तो थोड़ा रेस्ट ले लोगे तो वो क्योर हो जाएगा। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे कि कंटिन्यूसली आपको जैसे पीरियड होता है वैसा हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वैसे अबनॉर्मलिटीज और क्या है ना, कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम्स रहे तो प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ही वैसा होता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं क्रिश के जब जब मेरे सेकंड प्रेगनेंसी था तो सेकंड प्रेगनेंसी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सेकंड प्रेगनेंसी में मैं कभी भी रेस्ट भी नहीं लेती थी, फिर भी कभी ऐसा ब्लीडिंग वेडिंग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मुझे लगा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रिसेंटली कुछ 1 मंथ बिफोर शायद यहाँ पे एक लेडी रहती है, तो उनको पीरियड जैसे कंटिन्यूसली हो रहा था, तो वो ब्लड टेस्ट करवाई तो वो प्रेग्नेंट है, जो अल्ट्रासाउंड निकाली तो वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उनको बोले आप प्रेग्नेंट हो, तो उनको डाउट आया तो वो मुझसे आके पूछ रही थी सीमा आप प्रेग्नेंट हो ना दीदी, आपको ऐसा हुआ था क्या? तो मैं बोली हाँ मुझे प्रीवियस हुआ था, मगर इतना ब्लीडिंग तो नहीं हुआ था आपको जितना हो रहा है, मगर वो कॉमन है। अगर डॉक्टर बोल रही है प्रेग्नेंट हो तो आप प्रेग्नेंट हो, उसके लिए आपको अगर अलग सा दवा कुछ लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए, और अपना डॉक्टर जो बोलते हैं उसी हिसाब से फॉलो कीजिए। तो अभी वो शायद 5 या 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, तो उनको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बीच में वो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा था उनका। तो सब किसी का बॉडी जो रहता है फंक्शनिंग अलग अलग तरह का रहता है, तो किसी किसी के बॉडी में ये सब अपन नेचुरली होता है, वो सब कोई करता नहीं है, होना बोल के तो कोई करेगा नहीं, और ये एक प्रोसेस है बॉडी में। तो आप अगर आपको डाउट है, अगर आप हैवी ब्लीडिंग कर रही हैं, क्लॉट्स गिर रहा है, तो वो मिसकैरेज ही है समझ लीजिए, अपने डॉक्टर को तुरंत जाके कंसल्ट कर लीजिए। तो और प्रेग्नेंस जो भी हैं प्रेग्नेंट, प्लीज़ आप अपना केयर लीजिए, और तुरंत आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए, और पहले की 2 महीना आराम से रेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा घूमना फिरना मत करिए। ये सब मेरे ख्याल से ये सब करना ज़रूरी है हर किसी के लिए। और आप अगर फर्स्ट प्रेग्नेंट हो तो हर चीज़ अपने डॉक्टर से, आजकल तो डॉक्टर हर चीज़ खुल के बात कर सकते हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छे से समझ जा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जितना मैं जानती हूँ उतना आपको कमेंट में आंसर कर दूँगी। और कुछ और किसी चीज़ के रिलेटेड अगर डाउट है प्रेगनेंसी के रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।